और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को सुबह पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित निवास स्थान पर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की। सीबीआई द्वारा विधायक अनिल देशमुख के घर पर यह तीसरी कार्रवाई है, ऐसी जानकारी अनिल देशमुख के निजी सचिव ने दी। इस खबर से नागपुर शहर समेत राज्य में खलबली मची है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 8 बजे से नागपुर सीबीआई की टीम सिविल लाइन स्थित विधायक अनिल देशमुख के निवास स्थान पर पहुंची। अनिल देशमुख एवं उनके परिवार के सदस्य पिछले एक महीने से घर पर नहीं हैं। अनिल देशमुख के निवास स्थान से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम अनिल देशमुख के परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। ऐसा कहा जा रहा है कि लुकआउट नोटिस के बाद सर्च की कार्रवाई एक कार्रवाई का तरीका है, उसी के तहत यह टीम पहुंची थी। इस कार्रवाई से पहले सीबीआई की एवं ईडी की टीम के कार्यालय एवं निवास स्थान पर कई बार कार्रवाई को अंजाम दे चुकी है। इस खबर से नागपुर समेत महाराष्ट्र राज्य में फिर एक बार खलबली मची है। करोड़ों रुपए के वसूली के मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कहीं कम होती नजर नहीं आ रही है। सबसे खास बात है कि सीबीआई की टीम ने सोमवार सुबह 8 बजे जो है उनके नागपुर स्थित निवास स्थान पर जो है वो छापा मारा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीआई की जो है ये तीसरी बार जो है ये रेड है, और ऐसी जानकारी है कि पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से जो है यहाँ पर अनिल देशमुख के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। ईडी और सीबीआई जो है जब भी जांच करती है तो ऐसी कार्रवाई जो है वो कई बार की जाती है, और सबसे खास बात है कि दिन ब दिन अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र नहीं आती, वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते हुए जा रही है। लेकिन ऐसे में ये तीसरी बार सीबीआई का यहाँ पर आना और सीबीआई का यहाँ पर छापा मारना, शायद कुछ दस्तावेज खोजने के लिए या फिर कुछ चीज़ें जो छूट गई हो पिछली जांच में उसे ढूंढने के लिए जो है वो शायद यहाँ पर सीबीआई की टीम आई है, ऐसा कहना होगा। साथ ही एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो उनके समर्थन में जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो भी कर रहे हैं, और सबसे खास बात ये है कि उनकी ये मांग है कि ये जो मांग है कि कुछ कारणोंवश या फिर व्यक्तिगत राजकीय कारणोंवश जो है जानबूझकर जो है अनिल देशमुख को परेशान करने के लिए जो है इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और इसीलिए एनसीपी कार्यकर्ता जो है वो अनिल देशमुख के समर्थन के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। वैसे आगे सीबीआई की टीम और ईडीआई की टीम इस रेड के बाद यानी कि इस जांच के बाद आगे क्या करती है ये तो देखने वाला होगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है वो भी बढ़ रही है। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अमोल शिंदे, वीकेबी न्यूज के लिए।